कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के प्रोत्साहन और विद्यालय में बालिकाओं के नए एडमिशन को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार के साथ नगर के कई समाज से भी उपस्थित रहे। उक्त रैली कोटवन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से प्रारंभ होकर कोसीकला के विभिन्न मार्गों से होती हुई बाईपास तिराहे पर जाकर समाप्त हुई। रैली में विद्यालय की समस्त छात्राओं के साथ प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। रैली की जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया, यह किस संबंध में है और किसकी रैली? जी, विकास खंड नंदगांव में कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित है, जिसमें 100 बच्चियों का नामांकन किया जाना है और उसी के प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय के समस्त स्टाफ ने बच्चों के साथ रैली निकाली। और उद्देश्य यह भी है कि इस विद्यालय में गरीब परिवारों की बच्चियां, जो अति गरीब परिवार की बच्चियां हैं, उन्हीं को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए समस्त सुविधाएं इस विद्यालय में मौजूद हैं और फूडिंग, खाना, कपड़ा, सारी चीज़ें, उनकी दैनिक दिनचर्या की सारी चीज़ें इनको उपलब्ध कराई जाती हैं सरकार के द्वारा निःशुल्क रूप से। और प्रचार प्रसार इसीलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं इस विद्यालय में एडमिशन लें और उसका लाभ उठाएं। ये रैली कहाँ से होकर कहाँ से निकली थी? बटन गेट से शुरू किया है रैली ने, गांधी पार्क आई और गांधी पार्क से फिर स्टैंड तक जो है ये रैली का आयोजन किया गया और बड़ा सफल रहा और बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। किन किन गाँव से होकर ये रैली निकली थी? बटन गेट से लेके कोसी और आपके कोटवन और इत्यादि, चूँकि छोटे बच्चे हैं और धूप ज़्यादा है इसलिए पूरे ब्लॉक में तो नहीं घुमाया सकता, लेकिन 2-3 क्षेत्रों में ये इसको। अच्छा, बच्चों को एकत्रित करने के लिए क्या आपने कहीं डाटा वगैरह इस तरह का तैयार किया कहीं से? बिल्कुल, हमारे पास हाउस होल्ड सर्वे है और हाउस होल्ड सर्वे में जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं या किस क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब डाटा हमारे पास है। और प्रचार प्रसार से ही बच्चे आवासीय के लिए अभिभावक जल्दी तैयार नहीं होते हैं आवासीय विद्यालय के लिए, बाकी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में वो बच्चे नामांकित हो रहे हैं, लेकिन उसमें से भी हम अति गरीब बच्चों को छाँट रहे हैं जो अति गरीब फैमिली के हैं, जिनको आवासीय विद्यालय की सुविधा प्राप्त हो सके।